हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम इन आरकेजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्लाइकोलिसिस। सी, ग्लाइको मींस ग्लूकोज एंड लिसिस मींस ब्रेकडाउन। सो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट एसिड आर पाइरुवेट इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन, और वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्लियर। सो ग्लाइकोलिसिस इज एन एनएरोबिक प्रोसेस। जो ग्लाइकोलिसिस है वो एक एनएरोबिक प्रोसेस है। और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को डिस्कवर्ड किया था, इसके बारे में डिटेल्ड दिया था थ्री साइंटिस्ट, दैट इज द इमडेंट, मेयरहॉफ एंड पार्नास। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं, ईएमपी पाथवे। हियर ई मींस इमडेन, एम मींस मेयरहॉफ एंड पी मींस पार्नास। क्लियर। सो ईएमपी पाथवे मींस ग्लाइकोलिसिस। ओके, एंड ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन पाथवे इन बोथ एरोबिक एज वेल एज एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। ओके, एंड ग्लाइकोलिसिस इज 10 स्टेप प्रोसेस, 10 स्टेप्स प्रोसेस होता है ये। क्लियर, 10 स्टेप प्रोसेस है ये। इसमें जो फर्स्ट 5 स्टेप्स होते हैं इनको हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं, और जो लास्ट 5 फेज होते हैं इनको हम लोग एनर्जी पे ऑफ फेज बोलते हैं। इनके फर्स्ट 5 स्टेप्स में एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है, एटीपी का कंजम्पशन होता है, इसलिए इसको हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं। और जो लास्ट 5 फेज है इसको एनर्जी पे ऑफ फेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी का जनरेशन होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। क्लियर। तो यहां पे देख लेते हैं फर्स्ट 10 स्टेप्स कौन कौन से हैं। यहां पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, दिस वन इज द सेकेंड स्टेप है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये तीसरा स्टेप है। और फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट का क्लीवेज हो रहा है, मतलब ये स्प्लिट कर जा रहा है इंटू 2 मॉलिक्यूल, वन इज द डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट और दूसरा ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये चौथा फेज हो गया, दिस वन इज द फोर्थ स्टेप है। और डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पांचवा स्टेप, और ये फर्स्ट 5 स्टेप कंसिडर किए जाते हैं। और ये फर्स्ट 5 स्टेप क्या है, ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है। यहां पे एटीपी का कंजम्पशन होता है, देख रहे हैं यहां पे एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर। और लास्ट 5 स्टेप्स जैसे कि ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में, तो ये हो गए हमारा 6th स्टेप। 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, तो ये हो गया हमारा, दैट इज द 7th स्टेप। 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, ये हो गया हमारा 8th स्टेप। और 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में, दिस वन इज द 9th स्टेप। और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट हो रहा है पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट में, तो ये हो गया हमारा 10वां स्टेप। क्लियर। तो इस तरह से ये क्या है, लास्ट 5 स्टेप्स हैं, और ये लास्ट 5 स्टेप को बोलते हैं हम एनर्जी
पे ऑफ फेज, एनर्जी पे ऑफ फेज है क्योंकि यहां पे एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, एटीपी का जनरेशन हो रहा है। देख रहे हैं यहां पे हम लोग एडीपी से एटीपी बन रहा है, एडीपी से एटीपी बन रहा है, क्लियर। सो ग्लाइकोलिसिस इज 10-step प्रोसेस। फर्स्ट 5 इज द एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज एंड लास्ट 5 इज द एनर्जी पे ऑफ फेज। अब हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि जो ये ब्लैक से लिखा हुआ है ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट है, 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट है। इसी 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट को हम 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट पढ़ सकते हैं या डाईफॉस्फोग्लिसरेट बोल सकते हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट है, फॉस्फोइनॉल पाइरवेट है और पाइरवेट एसिड है। दीज आर द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस। और ये जो ब्लू से लिखा हुआ है दिस इज द नेम ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस के नेम है कि कौन से प्रोसेस के थ्रू कौन सा मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं फॉस्फोरिलेशन लिखा है, आइसोमेराइजेशन लिखा है, फिर फॉस्फोरिलेशन लिखा है, फिर यहाँ पे क्लीवेज लिखा है, आइसोमेराइजेशन लिखा है, फॉस्फोरिलेशन, रेडॉक्स रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिफॉस्फोरिलेशन, फिर शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है मतलब डिफॉस्फोरिलेशन हो रहा है। तो ये जो ब्लू से लिखा हुआ है ये प्रोसेस के नेम्स है, और जो रेड से लिखा हुआ है दीज आर द नेम्स ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम्स के नेम है, कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे उनके नेम है, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं ग्लाइकोलिसिस को। तो ग्लाइकोलिसिस में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरविक एसिड। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरविक एसिड। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग सुगर होता है, क्लियर। ये हेक्सोज सुगर है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज द मोनोसैकेराइड है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होता है, यहां पे फास्फो रिलेशन होगा, ठीक है। और फास्फो रिलेशन होगा तो इसमें क्या होगा कि फास्फो रिलेशन के लिए चाहिए फास्फेट। तो ये फास्फेट कहां से आएगा, ये फास्फेट आएगा एटीपी, एडनोसिन ट्राइफास्फेट के ब्रेकडाउन से। एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, फास्फेट रिलीज होगा और वो फास्फेट जाकर के ग्लूकोज से अटैच कर जाएगा, क्लियर। मतलब ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन होगा, और जब ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन होगा तो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। और इस प्रोसेस में हेल्प कौन करेगा, तो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज या फास्फोरिलेज नाम का एंजाइम, क्लियर। सो इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज आर फास्फोरिलेज एंजाइम देयर इज द ब्रेकडाउन ऑफ द एटीपी एंड दैट एटीपी कन्वर्टेड इंटू एडीपी एडनोसिन डाइफॉस्फेट एंड 1 फॉस्फेट एड टू द ग्लूकोज, दैट इज ग्लूकोज अंडर गो द फॉस्फोरिलेशन एंड दैट ग्लूकोज कन्वर्ट इंटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। यहाँ पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का मतलब है ग्लूकोज के 6वें कार्बन पर फॉस्फेट है, 1 फॉस्फेट, क्लियर। सो ग्लूकोज कन्वर्टेड इंटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। तो इस तरह से पहला स्टेप हो गया, ग्लूकोज का कन्वर्जन हो गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। अब दूसरा स्टेप है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का क्या होने वाला है, आइसोमेराइजेशन होने वाला है, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पे कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा प्रोसेस को, तो यहां पे एंजाइम है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। तो फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ आइसोमेराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट टू कन्वर्ट इंटू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। तो यहां पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का फिर से क्या हो रहा है, फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, और इस फॉस्फोरिलेशन के लिए फिर से क्या चाहिए, फॉस्फेट चाहिए। और ये फॉस्फेट कहां से आएगा, अगेन एटीपी का ब्रेकडाउन होगा और एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा।
और जो फास्फेट रिलीज होगा वो फास्फेट फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट से अटैच हो जाएगा, मतलब फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट का फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ फास्फेट ऐड हो रहा है फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट से, और फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? इसका मतलब फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फास्फेट में दो फास्फेट है, एक फास्फेट फर्स्ट कार्बन पे और दूसरा फास्फेट सिक्स्थ कार्बन पे है। क्लियर? फ्रक्टोज के, और यहां पे जो एंजाइम हेल्प कर रहा है प्रोसेस में फास्फोरिलेशन में, तो वो है फास्फो फ्रक्टो काइनेज, फास्फो फ्रक्टो काइनेज एंजाइम। क्लियर? तो इस तरह से फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप था। यहां पे हम लोग देख रहे हैं स्टेप फर्स्ट में और स्टेप थर्ड में एटीपी का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? और मतलब यहां पे एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्लियर? इसीलिए इस फेज को क्या बोल रहे हैं हम, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज बोल रहे हैं। अब देखते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट, ये भी क्या है, ये भी सिक्स कार्बन कंटेनिंग है। फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट भी सिक्स कार्बन कंटेनिंग है, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट भी सिक्स कार्बन कंटेनिंग है। क्लियर? फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट का क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज का मतलब यहां पे स्प्लिट कर जाएगा, ब्रेक डाउन होगा फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट का, किसके प्रेजेंस में, एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा टू मॉलिक्यूल, वन इज द डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट और दूसरा है ग्लिसराइल डिहाइड थ्री फॉस्फेट, और ये दोनों जो है थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। क्लियर? सो हियर वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट विच इज द सिक्स कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू टू थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट एंड अदर इज द ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट। क्लियर? और यहां पे जो एंजाइम हेल्प किया वो है एल्डोलेज। अब देखिए यहां पे डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। क्लियर? और यहां पे कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोमेराइजेशन प्रोसेस होगा, और ये आइसोमेराइजेशन प्रोसेस में हेल्प कौन करेगा, आइसोमरेज एंजाइम हेल्प करेगा। जब वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरविक एसिड में, तो फिर से डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट में, और ये ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट फिर से कन्वर्ट होगा किसमें, पायरविक एसिड में, पायरवेट में। क्लियर? तो इस तरह से डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। ठीक है, अब देखते हैं सिक्स्थ स्टेप। तो यहां पे ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट जो कि एक थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, यहां पे तीन प्रोसेस होने वाला है। पहला है फॉस्फोरिलेशन, दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन और तीसरा डिहाइड्रोजिनेशन। अब देखते हैं यहां पे ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर? मतलब ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट से हाइड्रोजन रिमूव होगा। क्लियर? तो जब हाइड्रोजन रिमूव होगा ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट से, इसी को बोल देंगे हम डिहाइड्रोजिनेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी मॉलिक्यूल नोन एज द ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो हाइड्रोजन जाकर के कहां पे ऐड हो रहा है, एनएडी निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से ऐड हो रहा है, और एनएडी प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनएडी एच प्लस प्लस एच प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह से एनएडी प्लस का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर? दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। क्लियर? तो यहां पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, और यहां पे फॉस्फोरिलेशन होगा। फॉस्फोरिलेशन के लिए जो फॉस्फेट है वो साइटोप्लाज्म से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साइटोप्लाज्म से
आएगा और अटैच हो जाएगा किसको, ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट से, और ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-bifosphoglycerate में। इसी को हम लोग पढ़ते हैं 1,3-diphosphoglycerate या 1,3-bisphosphoglycerate पढ़ सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट जो कि एक मोनोफॉस्फेट है, इसमें इनऑर्गेनिक सोर्स से साइटोप्लाज्म से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहा है, और ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट 1,3-bifosphoglycerate में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज द स्टेप सिक्स। और यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या जनरेट हो रहा है, NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि क्या है, रिड्यूसिंग पावर है। और ये आगे चल करके लास्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, उसमें इसका क्या होगा, इनकैश होगा और वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 से 3 ATP का जनरेशन होता है, क्लियर। तो फर्दर हम लोग इस प्रोसेस को देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ स्टेप, 1,3-bifosphoglycerate का क्या होने वाला है, यहाँ पे डीफॉस्फोरिलेशन होने वाला है। डीफॉस्फोरिलेशन का मतलब एक फॉस्फेट 1,3-bifosphoglycerate से रिमूव हो जाएगा। 1,3-bifosphoglycerate क्या है, 2-phosphate मतलब बाईफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके फर्स्ट कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे क्या है, फॉस्फेट है, 2-phosphate इसके पास। तो 1,3-bifosphoglycerate से एक फॉस्फेट रिमूव होगा और ये फॉस्फेट अब क्या होगा, ये फॉस्फेट जाकर के एडीपी से, एडनोसिन डाइफॉस्फेट से अटैच होगा और एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तो यहां पे 1,3-bifosphoglycerate का डीफॉस्फोरिलेशन हो रहा है और एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है रिजल्टेंट, क्लियर। और यहां पे जो एंजाइम है वो फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम हेल्प करेगा, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, क्लियर। और यहां पे जो एंजाइम है वो एंजाइम है दैट इज द ट्रायोस डिहाइड्रोजिनेज या ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, क्लियर, दोनों नाम बोल सकते हैं, ट्रायोस डिहाइड्रोजिनेज या ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो असिस्ट करेगा प्रोसेस को, दैट इज ग्लिसरल डिहाइड थ्री फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा 1,3-bifosphoglycerate में। अब 1,3-bifosphoglycerate कन्वर्ट हो गया 3-phosphoglycerate में, क्योंकि यहां से एक फॉस्फेट रिमूव हो गया और वो फॉस्फेट कहां पे चला गया, एडीपी, एडीपी रिसीव कर लिया और एडीपी कन्वर्ट हो गया एटीपी में, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहां पे कि एटीपी का जनरेशन हो रहा है, ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल का जनरेशन स्टार्ट हो गया। अब देखिए यहां पे 3-phosphoglycerate कन्वर्ट हो जाएगा 2-phosphoglycerate में, तो यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट हो रहा है, मतलब जो फॉस्फेट थर्ड कार्बन पे था वो अब सेकेंड कार्बन पे आ गया, क्लियर। तो यहां पे शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट हो रहा है और इस प्रोसेस को असिस्ट कर रहा है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम असिस्ट कर रहा है, मतलब शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम थर्ड कार्बन टू सेकेंड कार्बन, एंड 3-phosphoglycerate कन्वर्ट हो रहा है 2-phosphoglycerate में। फिर से आप देख रहे हैं कि यहां पे 2-phosphoglycerate कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनाल पाइरुवेट में, और यहां पे क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। तो 2-phosphoglycerate से 1 molecule ऑफ वाटर रिमूव हो रहा है, रिजल्टेंट 2-phosphoglycerate फॉस्फोइनाल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, और इस प्रोसेस को, इस स्टेप को असिस्ट कर रहा है इनोलेज एंजाइम, क्लियर। सो इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज एंजाइम 1 molecule ऑफ वाटर रिमूव फ्रॉम 2-phosphoglycerate एंड रिजल्टेंट 2-phosphoglycerate कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, क्लियर। सो दिस इज द 9th स्टेप। अब देख लेते हैं लास्ट स्टेप 10th स्टेप, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में एक फॉस्फेट है, दैट मीन ये मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में है, और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से फिर क्या हो रहा है, डीफॉस्फोरिलेशन हो रहा है, मतलब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से 1 phosphate रिमूव हो रहा है, क्लियर। यहां पे देख सकते हैं 1 phosphate रिमूव हो रहा है और ये फॉस्फेट जाकर के किससे अटैच होगा, एडीपी से, और एडीपी फिर से कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, क्लियर। तो इस तरह से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्टेड इनटू पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट में, क्लियर। सो दिस इज द लास्ट स्टेप, दैट इज द 10th स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट 5 स्टेप में
एटीपी का जनरेशन हो रहा है यहाँ पे, और फर्स्ट फाइव स्टेप में मतलब फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा था. क्लियर? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ओके, और यहां पे देख सकते हैं कि ये 1,3 बाई फास्फोग्लिसराइड भी क्या है, 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है. 3 फास्फोग्लिसराइड भी 3 कार्बन कंटेनिंग है, 2 फास्फोग्लिसराइड भी 3 कार्बन कंटेनिंग है, और फास्फोइनाल पाइरुवेट दिस वन इज आल्सो द 3 कार्बन कंटेनिंग, और पाइरुविक एसिड भी क्या है, 3 कार्बन कंटेनिंग है. क्लियर? अब देखिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरलडिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट हो गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड में. अगेन क्या होगा कि डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फास्फेट फिर से कन्वर्ट होगा ग्लिसरलडिहाइड 3 फास्फेट में, और ग्लिसरलडिहाइड 3 फास्फेट फिर से अब पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा. तो इस तरह से फाइनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. क्लियर? तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि कितने एटीपी का कंजम्पशन हो रहा है, और कितने एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, और कितना NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, और कितने पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है. तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या क्या मिलेगा हमको, तो पहली बात तो 2 पाइरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा. क्लियर? और यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे 1 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पे दूसरा एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर से ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ग्लिसरलडिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होगा, और फिर से ये पूरा प्रोसेस होगा. तो इस तरह से 4 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है. तो यहां पे देख रहे हैं हम लोग 4 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है. क्लियर? फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि फर्स्ट 5 स्टेप में 2 एटीपी का कंजम्पशन भी हो रहा है. क्लियर? तो यहां पे हम 2 एटीपी माइनस कर देते हैं. तो इस तरह से टोटल एटीपी, अगर नेट एटीपी गेन बोले तो कितना होगा, तो नेट एटीपी गेन जो है कि 2 एटीपी है. ये क्या है, नेट एटीपी गेन है. क्लियर? तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में नेट एटीपी गेन कितना है, तो 2 एटीपी है. और भी देख रहे हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ NADH2 का भी फॉर्मेशन हो रहा है. वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर से जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट कन्वर्ट होगा ग्लिसरलडिहाइड फास्फेट में, और ग्लिसरलडिहाइड फास्फेट फिर से कन्वर्ट होगा पाइरुविक एसिड में, तो अगेन हमको दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा NADH2 का. तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 से 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है. मतलब यहां पे हमको कितना मिल जाएगा, 6 एटीपी. ठीक है? तो अगर हम ग्रॉस एटीपी गेन की बात करें ग्लाइकोलिसिस में, तो 2 एटीपी ए और 6 एटीपी ए, मतलब टोटल कितने, 8 एटीपी का फॉर्मेशन होगा. दैट मीन ये क्या है, ग्रॉस एटीपी गेन है. दिस इज द ग्रॉस एटीपी गेन. और सिर्फ नेट एटीपी गेन करें की बात करें तो सिर्फ 2 एटीपी. क्लियर? सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हम लोग देख रहे हैं कि हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिल रहा है एज अ नेट एटीपी गेन, और अगर ग्रॉस एटीपी गेन की बात करें तो क्या मिल रहा है, 8 एटीपी मिल रहा है. क्लियर? सो दैट इज द आउटपुट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो कॉमन पाथवे है. एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है. तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ही एटीपी का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो यहां पे हम लोग जानते हैं क्या कि यहां पे ग्लूकोज से क्या बनेगा, पाइरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड. हाँ, तो जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड बन रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि NAD+ कितने, 2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है. क्लियर? और ये आगे चल करके पाइरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है एसिटल डिहाइड में 2 मॉलिक्यूल,
और ये टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट होता है फिर से इथेनॉल में, इथेनॉल में टू मॉलिक्यूल। और जब टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट होता है टू मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल में, तो ये जो टू मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बना था फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NAD+ में। तो जो हमको NADH2 मिला था दैट इज द रिड्यूसिंग पावर दैट इज द इक्वल टू द 3 ATP, वो फिर से किसमें कन्वर्ट हो गया, NAD+ में। क्लियर? तो इसलिए जो नेट गेन है ATP का वो कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 ATP। दैट्स व्हाई वी गेट ओनली द 2 ATP इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहां पे हो रहा है, इस तरह से एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा होगा। क्लियर? तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ क्या मिलेगा, ओनली 2 ATP का सिर्फ फॉर्मेशन होता है। क्लियर? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इन नेक्स्ट स्टेप वी विल डिस्कस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है नोट्स के लिए।